कटेवा के बैनर तले नगरपालिका स्थित एक आवास पर बैठक रखी गई। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चर्चा की गई और बताया गया कि पुरानी पेंशन हक है हमारा और हमारे हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS प्रदेश अध्यक्ष अटेवा विजय कुमार बंधु के अगुवाई में पुरानी पेंशन की लड़ाई जारी है। दिल्ली में होने वाले 1 अक्टूबर को पेंशन संक्रांत महारैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, यह आपकी हमारी अपनी लड़ाई है। जिला अध्यक्ष अटेवा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन की यह जो हमारी लड़ाई है यह लगातार चलती रहेगी। इसके लिए हमें लगातार संघर्ष, धरना प्रदर्शन एवं जो भी माध्यम होगा उसके माध्यम से सरकार के सामने अपनी बातें रखेंगे और उनसे अपनी बातों को मनवा के रहेंगे। दिल्ली में होने वाले इस पेंशन संक्रांत रैली में आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सभी संगठन, सभी संघ के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, शिक्षक एवं सभी संघ के लोग एक साथ आगे आए और इसको सफल बनाए। सफाई कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष CP यादव ने बताया कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुई, हम चाहते हैं हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में भी यह बहाल हो और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। अटेवा जिला महामंत्री रामजी वर्मा ने कहा कि दिल्ली चलकर रामलीला मैदान में आप लोग पूरे जोश उमंग के साथ अपनी बातों को सरकार के सामने रखें, हम पुरानी पेंशन बहाल करवा के रहेंगे। अटेवा जिला मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने बताया कि हम सब ने यह ठाना है पुरानी पेंशन बहाल करवाना है। जिला अध्यक्ष अटेवा सुभाष चंद्र यादव, जिला महामंत्री राम वर्मा, कन्हैया विश्वकर्मा, राकेश यादव, नवल कुमार, योगेंद्र कुमार यादव, धर्मेंद्र यादव, अधेश कुमार यादव, CP यादव, गुलाब चौरसिया, ओंकार नाथ, अखिलेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। सुभाष चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष अटेवा आजमगढ़। आज की बैठक 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने जा रहे अटेवा NMOPS के बैनर तले पेंशन संक्रांत महारैली के तैयारी के संदर्भ में की गई थी, जिसमें हमारे जिले के सभी ब्लॉकों के सभी विभागों के सभी पदाधिकारियों ने शिरकत किया और 1 अक्टूबर को दिल्ली चलने के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा के संदर्भ में यहां पर हम लोग बैठे और इसके तहत आज हम लोग दूसरे क्रम में अटेवा आजमगढ़ के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा पेंशन के मुद्दे पर आज का ये कार्यक्रम हुआ है। मांगे क्या है आप लोगों की प्रमुख? हमारी प्रमुख मांगे हैं NPS निजीकरण भारत छोड़ो, OPS बहाली। इन मांगों को लेकर काफी समय से आप लोगों पर प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार आप लोग की बातें नहीं सुन रही है, इसके लिए मतलब आगामी चुनाव में किस तरह से जवाब देने का काम करेंगे? देखिए, हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, जो भी सरकार हमारे मुद्दे का समर्थन करेगी हम भी उसके साथ रहेंगे, जो हमारे मुद्दे का समर्थन नहीं करेगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। आगामी चुनाव में आपने देखा होगा कि पूर्व के चुनाव में भी जिन राज्यों में OPS के पक्ष में सरकारों ने या पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में हमारे मुद्दे को रखा, वहां पर OPS की सरकार आ गई, इसको आप सभी साथियों ने देखा। आगे भी जिन राज्यों में वहाँ की सरकारें या पार्टी हमारे मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल करेगी, वहाँ भी वही सरकार आएगी।